हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। तो अभी इस चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप अगर न्यू ज्वाइन किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि डाले जाने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए 11 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहेगा पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर वन को हम डाल चुके हैं और पार्ट नंबर टू में स्टार्ट करते हैं आज। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो देखिए पहला दिया हुआ है, इसमें दो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट बनाएंगे, पर कह रहा है कि 240 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु को आप बेचिएगा हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि ज्यादा रुपये में खरीदे हैं, तो पहले उसको निकाल लिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि आपको दिया हुआ था कि 240 रुपया में, 240 रुपया में क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर कह रहा है कि 10% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना प्रतिशत, 10% के लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि वो खरीदे हैं कितना में, यही ना पहले। तो यहाँ से 240 रुपया ये सीपी निकालना है ना, तो क्या करते हैं एसपी में भाग कर देते हैं ना। आप प्रतिशत क्या है, लॉस है ना, तो लॉस क्या हो जाएगा, ये 90% होगा। तो यहाँ से प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सुनना चल जाएगा। यहाँ से कटाएंगे 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, फिर कटाएंगे 3 से 3 का 9 और 3 8 24। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि कितना हो गया, 800 अब बाटा कितना, 3 रुपया सीपी हो गया, मतलब इतना रुपये में खरीदे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये सीपी दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि इस वस्तु को कितना रुपया में मूल पर बेचे कि उसको 20% की क्या लाभ हो। तो यहाँ से यह बताइए कि लाभ होना चाहिए ना, तो 20% का लाभ हो, लाभ ही दे चुका है 20%। कह रहे कि अब कितना में बेचा जाए, इतना रुपये में खरीदे थे, इतना रुपये लाभ कमाना है, तो कह रहे कि कितना रुपये में बेचा जाए। तो यहाँ से दिया हुआ है 800 बटा 3, एसपी निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 120% हो जाएगा ना। तो 120 आप प्रतिशत हटाएंगे 100, यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे तो कितना, ये 4 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। आ कितना, 8 8 4 का कितना, 32, 320 रुपया आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। मतलब कि लास्ट में क्या करेंगे, 120 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा रूल, रूल नंबर दूसरा। अब बताइए कि एसपी आपका दिया हुआ है 240 रुपया और 10% की हानि हो रहा है, इसका मतलब कि सीपी निकालेंगे। दूसरा नियम, यहाँ से देखिए 240 रुपया दिया हुआ है, सीपी जैसे निकालते हैं तो भाग होता है ना, 10% लो, इसका मतलब टोटल 100% होता है। इसमें 10% घाटा लग गया तो कितना प्रतिशत बचा, 90% बचा, इसको छोड़ दीजिए प्रतिशत में। लेकिन अब बताइए कि ये सीपी में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं, हो चुका है। फिर कह रहा है कि इस चीज को, इसको इतना रुपये में खरीद रहे हैं, सीपी आ गया, लेकिन कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना रुपये में बेचा जाए। तो ये सीपी आ गया ना, ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब ये बताइए कि ये सीपी हो गया, एसपी आपको निकालना है 20% का लाभ, तो एसपी जैसे निकलते हैं उसे गुना हो जाता है ना, तो कितना प्रतिशत लाभ, 20% लाभ ना, तो 120%, प्रतिशत प्रतिशत को काट दिए, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, यहाँ से 3 3 का 9 और यहाँ से कितना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यहाँ से काटेंगे 3 से, तो 3 4 का 12, देखिए तो 8 4 का कितना कितना हो गया, 320 रुपये नहीं आ गया। ये हुआ शॉर्ट, ये हुआ लॉन्ग। चलिए उसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था
कि 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो बताइए कि ये 16 रुपया 80 पैसा में खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 12 पर 10% की हानि होती है। तो पहले क्रयमूल निकालेंगे, इसके बाद करेंगे 20% लाभ कमाने के लिए खिलौने का खिलौने किस भाव से बेचे, यही ना क्वेश्चन है। तो यहाँ से आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आ जाइए। कह रहे हैं कि 16 रुपया 80 रुपये में 16 रुपया 80 पैसा में क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो 10% की हानि हो रही है। शॉर्ट मेथड डालेंगे, चलिए यहाँ से करके 16 रुपया 80 पैसा, यहाँ से 16 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है, ये SP दिया हुआ है। हमको पहले CP निकालना पड़ेगा ना, तो CP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP में भाग करते हैं। तो SP कितना, 10% आने, इसका मतलब कि 90% हो गया। अब चलिए ये क्या आया, ये तो SP था, इसको भाग इसे दिए तो ये क्या हो गया, ये CP हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि ये आपका ये क्रयमूल हो गया, CP हो गया, और कह रहे कि इसको किस तरीका से बेचे कि 20% क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो लाभ होना चाहिए, किस तरीका से बेचे, तो बेचने का मतलब कि SP निकालना है, तो बेच दिया जाए कि 20% क्या हो जाए, लाभ हो। तो SP निकालना है, तो CP में क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, तो 20% लाभ होता है, 120%, यही ना, प्रतिशत को हटाए, प्रतिशत हट गया। चलिए यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0। अब चलिए यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इसको रहने दीजिए 1 0, इसको 1 0 रहने दीजिए, 1 0 काट दीजिए, इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो तितिरी का 9 और 3 4 12, ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये कट सकता है, 3 5 15 और 3 6 18, और यहाँ से गुना करेंगे तो 6 4 24 4 हासिल 2 और 5 4 20 और 2 कितना 22, 20 और 2 22, कितना 224 रुपया, देखिए तो आ रहा है 224 रुपया आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा 224 रुपया नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अब देखा जाए तो यहाँ पे अभी 1 0 बाकी है, तो इस 0 को हटाना है, तो 1 अंक के पहले क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, इसका मतलब कि 22 रुपया 40 पैसा आपका SP आया, मतलब कितना रुपये बचेंगे, 22 रुपया 40 पैसा में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि एक चावल को 5 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की क्या होती है, घाटा होती है। तो पहले कितना रुपये हम खरीदे हैं उसको पहले निकाल लेंगे, तो घाटा होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए। तो यहाँ से पहले चलिए, यहाँ से आपका दिया हुआ है ना 5 रुपया 40 पैसा दिया हुआ है, SP दिया हुआ है ना, तो SP दिया हुआ है, 10% घाटा हो रही है, तो ये बताइए कि CP निकालना है ना, SP दिया हुआ है, 10% घाटा लग रहा है, इसका मतलब कितना रुपये हम खरीदे हैं उसको निकालना पड़ेगा, 10% घाटा हुआ तो 90%। और बताइए कि ये SP हटा दिए तो ये क्या हो गया, CP हो गया, CP निकल गया ये। अब चलिए ये CP दिया हुआ है, कह रहे कि 20%, इस पर 20% लाभ कमाना है, तो कितना रुपये में बेचा जाएगा, इसका मतलब कि क्या पूछ रहा है लास्ट में, SP पूछ रहा है, तो SP निकालने के लिए CP में गुना किया जाता है, तो 20% का लाभ, तो 120% हटा दिए, यहाँ से अगर ये हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 100 चला जाएगा, यहाँ से कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 9 6 54 और 6 से 6 2 क्या, 6 कितना, 6 72, लेकिन एक नीचे 10 आएगा, तो 1 अंक के क्या देंगे, पहले पॉइंट देने कितना रुपया, 7 पॉइंट, मतलब 7 रुपया 20 पैसा में क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर एक दुकानदार को 30% के लाभ होती है। देख अब बताइए कि इतना रुपये में बेच रहा है, 19 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, 19.5 रुपये में बेच रहा है, तो 30% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कि कम दाम में खरीदा हुआ है, पहले वो दाम निकाल लेंगे जो कितना रुपये कम दाम में खरीदा है। अब कह रहे कि उस पर 20-40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करें, मैंने कितना वृद्धि हो गया, नहीं चलिए यहाँ से चलते हैं,
इसको क्या पढ़ाना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि पहले वाला विक्रमूल से अब विक्रमूल का अंतर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट भी बन जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बताइए कि 19.50 रुपया क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है, और बताइए एसपी दिया हुआ है 30% लाभ कमा रहा है तो सीपी तो निकाल जाएगा, क्या करेंगे भाग कर देंगे 30%, 130% हो जाएगा। अब चलिए ये सीपी क्या हो गया, ये सीपी हो गया ना पूरा, अब ये सीपी हो गया, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी को 40% लाभ पर बेचने के लिए बेचा जाए तो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि होगा, तो ये विक्रय मूल्य निकाल लीजिए लास्ट वाला विक्रय मूल्य, तो सीपी में एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीपी में गुना किया जाएगा ना, तो कितना प्रतिशत 40% वृद्धि हो रहा है, तो 40% प्रतिशत प्रतिशत चढ़ाते हैं, यहाँ से जिसे ही पॉइंट हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे 00 आ जाएगा, 1 पर 00 100, यानी कि यहाँ से हटाइए 13 से कटाइए, यहाँ से 0 से 0 पहले कटाएं, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13 आइए, यहाँ से 13 6 13 5 65 15 बचा, यहाँ से गुना करेंगे तो 15 15 4 60 की 0 अब 15 6 कितना 21, यहाँ से एक जीरो है ना, नीचे क्या है 10 बचा हुआ है, इसको हटाएंगे तो पॉइंट में यहाँ चेंज कर देगा, तो ये पॉइंट के बाद कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो कितना रुपया एसपी 21 रुपया ना, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये बताइए कि पहले के विक्रमूल से आज के विक्रमूल में कितना वृद्धि हुआ, तो पहले के विक्रमूल कितना था, पहले के विक्रमूल कितना था 19.50 रुपया, आज के विक्रमूल कितना हुआ है 21 रुपया ना, कितना वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, 19 साढ़े 19 से 21 हो गया, तो 1.50 रुपया क्या हो गया, वृद्धि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जब वृद्धि कर रहे तो 1.5, और जब कह रहे कि लास्ट वाले विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 21 रुपया, तो ये आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था वृद्धि कितना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 15, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 क्वेश्चन कर रहा था कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरा खरीदे, यदि उसने उसमें से 20 संतरे क्या हो गए, सड़ गए, अब कह रहे कि तो उससे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे की कीमत किस कीमत पर बेचनी चाहिए, कह रहे कि 100 को संतरा खरीद कर लाया 80 रुपये में, तो उसमें से 20 संतरा खरीद कर, ये 20 संतरा सड़ गया, और बताइए कि 100 संतरा खरीद कर लाया है तो ये घर से न घटी, संतरा तो उतना ही के खरीद कर लाया, आपका लाने में फूट गया छूट गया चाहे जो भी हो गया, तो आपको उतना ही में बेचना हो रहा, कह रहे कि कितना रुपया अधिक में बेचा जाए एक संतरा की कीमत, तो क्वेश्चन पहले बताइए कि यहाँ से संतरा कितना था, टोटल संतरा कितना था 100, और कितना रुपये में खरीदा था 80 रुपये में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 20 संतरा इसमें से क्या हो गया, 20 संतरा क्या हो गए, सड़ गए, तो यहाँ से 20 संतरा सड़ गया तो कितना संतरा बचा, अभी भी 80 संतरा बचा, 80 संतरा अभी भी कितना रुपये में 80 रुपये में, ये क्या है रुपया है, 80 रुपये में बेचेगा, और बताइए खरीदा है, अब कह रहा है कि 25% लाभ का प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को, तो यही ना शेष बचा संतरा, किस भाव से बेचा जाए कि किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, कहने किस भाव से बेचा जाए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, तो 25% की क्या हो रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये बताइए कि रुपया है ये क्या है, सीपी है कि नहीं, अरे भाई रुपया है इसका मतलब कि सीपी है, हमको एसपी में कह रहा है कि कितना रुपए में संतरा को बेचा जाए, इसका मतलब कि एसपी पूछ रहा है विक्रमूल पूछ रहा है, तो ये सीपी दिया हुआ है, अब विक्रमूल जैसे ही एसपी के लिए करते थे तो क्या करते थे सीपी में गुना करते थे ना, यहाँ पे भी गुना करेंगे तो 25 कितना प्रतिशत वृद्धि 25%, एक मतलब कि 125% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से चलिए 80 से 80 काट दिए कोई दिक्कत, यहाँ से काटेंगे 20 से काटेंगे 25 से 25 अब 25 चौके 100, इसका मतलब कि एक संतरा इधर बचा, संतरा का मूल्य कितना 5/4, 5/4 को क्या कहते हैं 1.2
5 रुपीज। एक संतरा का दाम कितना? अब संतरा कैसे बेचेंगे? 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया 25 पैसे में संतरा बेचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केवल बारीकी से आप ध्यान दे दीजिए ना, तो ये क्वेश्चन पढ़ने में हार्ड है लेकिन बनाने में हार्ड नहीं है। केवल पढ़ लिया जाए एक बार ना, इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक लगातार देख लिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण, इसका मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ से खरीद कर लाए, खरीदे और लेके जाना है घर पे, तो स्थानांतरण का उसी को स्थानांतरण कहते हैं। उस स्थानांतरण में 16 अंडे क्या हो रहे हैं, टूट जाते हैं। वह प्रति अंडे किस भाव से बेचे कि उसे अंडे को टूटने के बावजूद भी 30% के लाभ हो। 30% क्या हो? लाभ हो, कहने कि उसको घाटा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा कोई दिक्कत नहीं है, कितना रुपये में बेचे कि 30% के अभी भी लाभ हो। चलिए यहाँ से पहले यहां से बता दीजिए, तीन अंडा है ना, तीन अंडा का दाम कितना है? 2 रुपया खरीदा है ना, तो ये सीपी है। अब बताइए कि 3 अंडा 2 रुपया में खरीदा। अब चलिए यहां से 3 अंडा 2 रुपया में, तो 1 अंडा कितना रुपये में खरीदा? 2/3 रुपया में। आ कितना दर्जन अंडा खरीदना है? इसका मतलब कि 8 दर्जन अंडा खरीदा, इस कहने का मतलब कि 12 बटे 96 को टोटल अंडा खरीद रहा है। अब कह रहा है कि लाने में कितना अंडा फूट जा रहा है? 16 को, अभी भी कितना बचा? 80 अंडा बचा। तो ये बताइए कि 1 अंडा इतना रुपये में, तो 80 अंडा कितना रुपये में, यहाँ से कितना अंडा खरीदा है? टोटल 96 अंडा खरीद कर लाए भाई, 96 अंडा ना, तो यहाँ से कितना? 96 अंडा, तो 96 में दोनों तरफ से गुना कर देंगे, यहाँ से कटाएंगे तो 3×3=9 और 3×2=6, मतलब कि 96 अंडा कितना रुपये में खरीदा? 32×64 रुपये में खरीदा कि नहीं? 64 रुपये में अभी भी अंडा खरीदा है। 96 को अंडा मार्केट से गया, 64 रुपये में खरीद कर लाया, लेकिन इसको लाने में 16 अंडा क्या हो जा रहा है? फूट जा रहा है, अंडा फूट गया, ले जाने में स्थानांतरण करने में उसको क्या कर दिया गया? फूट गया, मान लेते हैं कि फूट जाता है, तो यहाँ पे कितना अंडा बचा? अभी भी कितना अंडा बचा? अभी भी 80 अंडा। अभी भी 80 अंडा की कीमत कितना? 64 रुपया। तो अब बताइए कि 80 अंडा अब 64 रुपये में खरीद कर ला रहा है, तो कह रहा है कि कैसे बेचा जाए कि 30% क्या होता है? लाभ हो। तो ये बताइए कि सीपी दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है, तो एसपी नहीं कर, एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट गुना किया जाता है, तो 30% का लाभ, तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 चला जाएगा। यहाँ से काटेंगे, 10 से 10 कट गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 88 कितना? 64। यहाँ से 88 64 8 हो गया, और एक अंडा के कितना? 13×8 कितना? 74 से 104 कितना? 100। 104 को हम क्या कर सकते हैं? वो नीचे 2 जीरो है, तो इसको क्या करेंगे? 1.04 रुपया। एक अंडा कैसे बेचेंगे? 1 रुपया 4 पैसा में, ठीक है, एक अंडा कैसे बेचेंगे? 1 रुपया 4 पैसा कैसे किए? तीन अंडा के दाम 2 रुपया, तो 1 अंडा के पहले 2/3, इसके बाद 96 अंडा, तो 96 अंडा यहाँ इधर गुना किए बराबर से करने के लिए, इधर 96 से गुना कर, अब 96 अंडा का दाम कितना? 64 रुपया। अब आपका अंडा फूटे चाहे न फूटे, वो तो 64 रुपये ले लिया, तो अब फूटने के बाद 80 अंडा का दाम अभी भी कितना? 64 रुपये। अब कह रहा है कि 80 अंडा 64 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं 30% लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो विक्रमूल नहीं निकाल देंगे, विक्रमूल निकालने के लिए गुना किया जाता है, तो 1 अंडा का दाम कितना है? इधर उधर काट दिए और 1 अंडा का दाम 1 रुपया 4 पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदा, आधा दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तभी भी वह 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडे किस दर से बेचेगा? कहने का मतलब कि टूटने फूटने के बाद वो 10% के लाभ कमाने के लिए 1 अंडा कितना रुपये में बेचेगा? यही ना है,
यहाँ से आइए कि यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन कि तीन अंडा, यहाँ से तीन, यहाँ से क्या है तीन दर्जन है ना, यहाँ से तीन अंडा अंडा, ठीक है, तीन अंडा एक रुपया में, यही ना, तीन अंडा एक रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, ये एसपी हुआ है, सीपी हुआ है, कह रहा कि आधा दर्जन, इसका मतलब कि पहले एक अंडा का निकालेंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा रुपया, एक बटा थ्री रुपया, अब कह रहे कि छः दर्जन, तो छः दर्जन निकला मतलब कि बर्छक कितना, बहत्तर, तो एक अंडा इतना रुपये में, तो बहत्तर अंडा दोनों देने से क्या करेंगे, बहत्तर सुगना कर देंगे, बहत्तर सुगना करेंगे तो ये बताइए कि काट दीजिएगा तो कितना, चौबीस रुपया, इसका मतलब कि बहत्तर अंडा का दाम कितना, कितना रुपया, चौबीस रुपया गया, अब क्वेश्चन कह रहा था कि बहत्तर अंडा खरीद कर रहा है कितना रुपये में, चौबीस रुपये में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आधा दर्जन इसमें से छः अंडा क्या हो जाता है, फूट जाता है लाने की वजह, तो बारह में ले छः गया छः, यहाँ से अब कितना अंडा बचा, छियासठ अंडा, छियासठ अंडा अभी भी कितना रुपये में, चौबीस रुपये में खरीद कर रहा है कि नहीं, छियासठ अंडा चौबीस रुपये में खरीद कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि इस पर 10% लाभ कमाने के लिए कितना रुपये में इसको बेचा जाएगा, इसका मतलब कि ये क्या है, सीपी है, तो सीपी है और 10% लाभ भी दिया है, तो क्या करेंगे, तो एसपी निकालने के लिए गुना करते हैं, तो 10% लाभ का मतलब 110 अब बटा क्या चाहिए 100, यहाँ से चलिए, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दिए, आई ग्यारह से कटाएंगे एक गर्छक छियासठ, छः से कटाएंगे छः चौका चौबीस, यहाँ से क्या करेंगे, एक अंडा के, एक अंडा का दाम कितना, चार बटा दस, चार बटा दस कहने का मतलब कि कितना, पॉइंट फोर, एक अंडा का दाम कितना, कह रहा है कि प्रति करके कमाने के लिए किस भाव से बेचा जाएगा, तो एक अंडा का दाम कितना रुपया, एक अंडा का दाम पॉइंट फोर, इसका मतलब कि एक रुपया से कम है ना, कहने का मतलब कि पॉइंट फोर दिया है तो कितना पैसा है, चालीस पैसा में एक अंडा क्या करेगा, बेचेगा, इसका मतलब कि एक अंडा कितना रुपये में बेचेगा, चालीस पैसा में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपया की रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यदि स्कूटर को 5800 रुपये में बेच देता है, तो अब बताइए कि यहाँ पे सीपी दिया हुआ है कितना रुपया, 4700, यानी इतना रुपये खरीद, लेकिन मरम्मत पर कितना रुपया खर्च करता है, 800 रुपया, इसका मतलब कि 800 रुपया उस बाइक को खरीदने, लाइसेंस लेने, इसका मतलब कि नंबर प्लेट लगाने, जो भी खर्चा हो रहा है माला वगैरह ये पूजा पाठ करने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 800 रुपया, तो यहाँ पे जोड़ देंगे कि कितना रुपये का बाइक पर, 8 × 7 = 15 × 5 और 4 × 5 कितना रुपये में पड़ा, खरीद पड़ा इतना रुपये में, कह रहा है कि बेच दे रहा है कितना रुपये में, कितना रुपये में बेच दे रहा है, यहाँ से 5800 रुपये में बेच दे रहा है, और बताइए कि 5800 रुपये में बेच दे रहा है, तो यहाँ से बताइए कि 5500 रुपये में आप खरीद रहे हैं, 5800 में बेच दे रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लाभ हो रहा है ना, कितना, 300 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100, आप बटा क्या चीज, कितना रुपये में खरीद रहे हैं, 5500 रुपये में ना, तो यहाँ से 5500 से भाग कर दिए, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, चलिए यहाँ से कटाते हैं 5 से 11 × 55 और 20 × 100, अब 20 कितना हो जाएगा, 60 × 11, इसको काटेंगे तो कितना, 5.5/11% क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, इसको उतार लीजिए, बीस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शंकर बाबू ने 7200 रुपया लगाकर एक पेपर शीट खरीदा और खरीदने के दौरान 200 रुपया के ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए, 600 रुपया के लगातार 330 बॉक्स बनाए और प्रत्येक बॉक्स को 28 रुपया प्रति बॉक्स की दर से क्या कर दिए, बेच दिए, तो कह रहे कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो पहले शंकर जी ने कितना रुपया क्या खरीदे हैं, शंकर जी ने टोटल कितना रुपये में खरीदे हैं, 7200 रुपये में खरीदे हैं, इस पे ट्रांसपोर्ट पर कितना रुपया खर्च हुआ, 200 रुपया, इस पे कितना रुपया खर्च हुआ, फिर 600 रुपया खर्च किया, टोटल कितना रुपये में खरीदारी हो गया, तो 0 0 6 2 8 2 10 की 0 कितना रुपये में खरीदा,
₹800 में खरीदारी पड़ा टोटल। अब कह रहा है कि बेच रहा है, अब शंकर जी ने इसी चीज को बेच रहा है तो ₹600 लगातार 330 बॉक्स बना है। एक बॉक्स जब बेच रहा है तो एक बॉक्स कितना रुपये में बेच रहा है, ₹28 में। तो ये एक बॉक्स ₹28 में कितना बॉक्स बनवाया था, 330, तो यहाँ से गुना कर देंगे 330 में, तो 28 से गुना करेंगे, यहाँ से करते हैं 28 में 33 से, और 324 की चार, तीन दून छः, और 324 की तीन दून छः, तीन दून छः दू आठ, और 324 की चार, और फिर तीन दून छः और दो आठ, यहाँ से कितना, 8 × 4 = 12 के दो नौ, कितना रुपये में, 9,200 कितना, ₹40 का कर दिया, बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो पहले तो लाभ देखेंगे ना, इतना रुपया में बेच रहा है, इतना रुपया में खरीद लिखा, तो कितना रुपया, एक ₹1,240 लाभ हुआ, 1240 लाभ गुना 100 अब बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना 8,000, तो यहाँ से काटेंगे 1 0 से 0, 1 0 से 0 और 1 0 से, यहाँ से भाग देंगे तो कितना, भाग देंगे तो कितना, 4 से भाग, 4 दूनी का 8, और 4 से 4 की 12, 4 एकम 4, 31, 31 में 2 से भाग करेंगे तो कितना, 15.5% नहीं हो जाएगा, कितना 15.5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 15.5%। चलिए तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन।